नीरज शर्मा जी का वोट इनवैलिड नहीं हो सकता? मैं तो ये बोलता हूँ भूपेंद्र हुड्डा का भी वोट इनवैलिड हो सकता है, और वो तो इस गेम में माहिर रहे होते, क्या उनकी टीम का कोई साथी नहीं हो सकता? ये कहना किसका रहा? ये तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन बता सकती है, क्योंकि सीरियल नंबर तो उनके पास है। पर जिसका भी रहा उसका नतीजा यही हुआ कि कार्तिक जी हरियाणा की तरफ से राज्यसभा के मेंबर चुने गए, और मैं इनको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और सभी विधायकों को जिनने इस पूरे प्रयास में 58 के 58 विधायकों को जिनने हमारा साथ दिया दोनों सीटों की। मैं सर कल के मतदान के बाद आप हरियाणा में कौन सकते? जितने विश्वास के साथ कांग्रेस ने उनको जिम्मेवारी दी, और जिस तरीके से कई दिनों तक रायपुर बंधक बनाकर अपने विधायकों को रखा, अगर वो वहां ट्रेनिंग ही प्रॉपर करा लेते तो शायद ये नतीजा नहीं। एक विधायक ने कहा था मुंह पुलवाने के आप पुलवा लेते, चलिए वो तो विधानसभा ने तो आप पूछ लीजिए। ठीक है सर, और जो एक तिहाई MLA ने मुझे वोट दी है उनका सबसे पहले स्वागत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे सक्षम समझा, जताया आगे जाकर कुछ हरियाणा के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, की आवाज़ रख सकूँ राज्यसभा के अंदर। और मैं जननायक जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का और जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो हरीश चौटाला जी का सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, भाई दिग्विजय चौटाला जी का भी, जिन्होंने सबने बहुत प्रयास किए, मेहनत की, और मुझे इस स्थिति में राजनीति में नया आया हूँ, जिसे 10 दिन हुए अभी राजनीति में आए, मुझे सिखाया और रास्ता भी दिखाया। भोरलाल जी ने भी बहुत मदद की, पूरे भारतीय जनता पार्टी ने मदद की, इन सबों का मैं बहुत दिल से कुलदीप बिश्नोई जी मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, कुलदीप बिश्नोई जी का भी, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जिन लोगों ने वोट नहीं भी दी मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने वो सिखाया हमारे को चुनाव को अंदर, आगे जाके हरियाणा की राजनीति कैसे होगी और क्या होगा इसके परिणाम आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूँ लोगों का, क्योंकि मैंने एक बात रखी थी कि हरियाणा के लोगों ने वोट दी थी हरियाणा के MLAs को, और हरियाणा के MLAs ने हरियाणा के ही लड़के को राज्यसभा, इसलिए मैं उनका बहुत